और समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध के मामले की आज बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुनवाई करेगा। मैगी के निर्माता नेस्ले इंडिया ने मैगी नूडल्स पर देश भर में खाद्य सुरक्षा नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। बम्बई शेयर बाजार को भेजे पत्र में नेस्ले इंडिया ने कहा है कि उसने मैगी नूडल्स मामले के समाधान की दिशा में बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। कंपनी ने FSSAI के 5 जून के आदेश को रद्द किए जाने की मांग की है, जिसमें कंपनी से मैगी को बाजार से हटाने का आदेश दिया गया है। कंपनी ने बाजार से मैगी को हटा लिया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि उससे उसे भारी नुकसान हो रहा है। और नेस्ले मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, लगातार मैगी के प्रोडक्ट को लेकर उपभोक्ताओं में एक तरह से कहा जाए कि बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति है और मैगी के नूडल्स को रोक भी लगा दी गई है। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या कहना है मैगी का और कब तक सुनवाई होगी? तो देखिए, आज कोर्ट में सुनवाई करीब 12:30 बजे शुरू हुई। इकबाल छगल जो कि बड़े लॉयर हैं, वो नेस्ले की तरफ से कोर्ट में आए और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही, उसमें सबसे पहली बात ये थी, उन्होंने कहा कि जो बैन लगाया गया है वो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि FSSAI के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इस तरह का बैन लगा सके इससे पहले कि वो कोई शो का नोटिस देता। तो सबसे पहली बात यही रही कि उन्होंने कहा बैन लगाने से पहले जो नोटिस भेजना था वो FSSAI ने नहीं किया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो बाकी जो मैगी के और जो 9 अलग अलग वेरियंट्स हैं उस पे उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 की टेस्टिंग हुई है, बाकी की टेस्टिंग नहीं हुई। 3 के आधार पर बाकी को बैन किया गया है। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने जो सबसे जो कहते हैं कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा, उनको उन्होंने कहा कि इससे कंपनी की छवि को बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि मैगी ऑलरेडी शुरू में जब 5 तारीख को बैन लगा था, केंद्र ने लगाया था, और 6 तारीख को फिर महाराष्ट्र में भी बैन लगा दिया गया था। उसके बाद जो है कंपनी ने खुद ही विड्रॉ किया था अपना प्रोडक्ट, लेकिन इसके बाद जब बैन लगा देने के बाद इनको शो का नोटिस गया, इससे कंपनी की छवि बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, जिसकी जो क्षतिपूर्ति है वो नहीं की जा सकती। तो कुल मिला के ये सब मुख्य बिंदु रहे। अभी कोर्ट एडजर्न कर दी गई है, लंच के बाद जो है वो प्रोसीडिंग शुरू होगी, फिर FSSAI के तरफ से जो लॉयर है वो अपनी बात कोर्ट में रखेंगे, उसके बाद कोर्ट इस पर कोई फैसला लेगा। नदी योगेश, जिस तरह से आपने बताया कि मैगी की जो याचिका है दिल्ली माफ कीजिएगा बम्बई हाई कोर्ट में, उनका ये कहना है कि किस तरह से जो बैन लगाया गया है वो सही नहीं है। सुनवाई लंच के बाद होगी। अगर हम बात करें मैगी को लेकर, जिस तरह से पूरे देश में माहौल है और उसके अलावा जो याचिका दायर की गई है, तो इसमें क्या किसी तरह का कोई कह सकते हैं कि क्या मैगी को आज सुनवाई के बाद क्या मैगी को किसी तरह की राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर आती है? देखिए, मामला चूंकि लीगल है, मामला कोर्ट में है, जज को सुनवाई करनी है, तो इससे कोई प्रिडिक्शन तो नहीं किया जा सकता कि जजमेंट क्या हो गया, किन चीजों को आधार में रख के जो दो जज की बेंच है, जस्टिस जे कनाडे हैं और जस्टिस जे जे कोलाबाला हैं, दो जजों की बेंच में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इससे कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। लेकिन एक बात जरूर है, सबसे बड़ी चीज किसी भी बड़ी कंपनी के लिए होता है वो जो उसकी छवि होती है, इसको बोलते हैं परसेप्शन, या वो एक तरह का PR होता है कोई भी कंपनी करती है, क्योंकि जितना वो प्रोडक्ट पे लगाती है उससे ज्यादा उसका पूरा पब्लिक रिलेशन में जाता है, कंपनी के लिए होता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है मैगी के सामने वो छवि को बनाए रखने की है। मान लीजिए कि अगर एक उदाहरण अगर हम रखते हैं कि मान लीजिए कि अगर जो कोर्ट ने वो स्टे लगा दिया, उसने बोला कि ठीक है FSSAI ने जो दिया है उसमें कुछ सर्टेन टेक्निकलिटीज है, उसके कारण हम उसको स्टे करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं मैगी की छवि को एक थोड़ा सा राहत मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर वो बैन को कंटिन्यू रखता है, फोर्स रखता है, तो इससे मैगी और नेस्ले जो कि बड़ी कंपनी सिर्फ मैगी नहीं बनाती और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, वर्ल्ड में कई जगह उसका एक्सपोर्ट है, UK में है, US में है, ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में, कई जगह वर्ल्ड में, तो एक छवि पर जो संकट है उससे निपटने के लिए मैगी बहुत एड़ी चोटी का जोड़ यहाँ पे लगाई हुई है। तो मुख्य मुद्दा है वो परसेप्शन का मुद्दा यहाँ पर है। जी बिल्कुल योगेश, आपसे हम इस बारे में ताजा जानकारी लेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए DD News।